रमजान महीने के रोजा रखने के लिए फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप। रमजान का महीना जो कि सारे महीनों से पवित्र माना जाता है, साल में एक बार ही आता है। यह वह महीना है जिसमें रहमतों के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और जो इंसान इस महीने में रोजे रख के अल्लाह के लिए भूखा रहता है, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हों और नेकियों से वो मालामाल कर दिया जाता है। आइए जानते हैं रमजान महीने में रोजे रखने से क्या फायदे होते हैं। एक, रमजान के महीना बरकतों का महीना है और जो इंसान इस महीने में रोजे रखता है उसका मुकाम काफी बड़ा कर दिया जाता है और अल्लाह के तरफ से गब से उसकी मदद की जाती है। दो, इस महीने में रोजा रखने से या नेकी करने से एक नेकी के बदले 70 नेकी उसे अता किया जाता है, जबकि अन्य महीने में यदि आप एक नेकी करते हैं तो उसका सवाब सिर्फ एक ही नेकी से दिया जाता है। तीन, रमजान के महीने में इंसान गुनाहों से बच जाता है और नेकी के तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। चार, रमजान के महीने में शैतान को जकड़कर बंद कर दिया जाता है, इसलिए लोग गुनाहों से बच जाते हैं। पाँच, रमजान के महीने में रोजे रखने से दिल साफ होने लगता है और इंसान गुनाह को छोड़कर नमाज के तरफ बढ़ने लगता है, जिससे उसे नेकियों से मालामाल कर दिया जाता है। ये थे कुछ फायदे जो कि रमजान के महीने में प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आप भी रमजान के महीने में रोजे नहीं रखते हैं तो जरूर रखें, क्योंकि यह महीना हर किसी को नसीब नहीं होता, सिर्फ खुशनसीब लोग ही इस महीने को प्राप्त कर पाते हैं।